सो वेलकम है दोस्तों, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है दोस्तों लव ट्रिप ब्लॉग। और आज हम हैं ग्वालियर की एक पहाड़ी पर जहां पर हम कैंपिंग करने वाले हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो होगी इस बार क्योंकि कैंपिंग वीडियो मैं फर्स्ट टाइम डालने वाला हूं और जगह बहुत बेहतरीन दिख रही है दोस्तों आपको। पीछे बिल्कुल जंगल टाइप में है और जगह बहुत काफ़ी अच्छी है। आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरह का ब्लॉग बनता है। आइए, तो ये जगह दोस्तों क्या नाम है ग्वालियर में ही है और काफ़ी जगह अच्छी है और यहाँ पर हम कैंपिंग करने वाले हैं और साथ में खाना वगैरह हमारी व्यवस्था चल रही है और कैंपिंग का साथ जो सामान है वो मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए। आइए देखते हैं। ये जो पर्दा है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हो, अगर बारिश वगैरह आती है तो आप यहाँ पर ऊपर डाल सकते हो, नहीं है तो इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए मौसम अच्छा चल रहा है, हवा अच्छी चल रही है तो इसमें वेंटिलेशन का भी सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं। सो दोस्तों, कैंपिंग के फर्स्ट वीडियो के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ग्वालियर की एक पहाड़ी पे, बेहतरीन है ग्वालियर शहर में ही है ये पहाड़ी। और अभी मैंने कैंपिंग का सामान लिया है क्योंकि अभी मैं कैंपिंग स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि ठंडे प्रदेशों में जाऊँगा आगे चल के। आगे आपको कैंपिंग वाली वीडियो भी दिखेंगी मेरे साथ में और ब्लॉग जो मेरे आते थे इस चैनल पर वो ब्लॉग भी दिखेगी। तो आइए, जो कैंपिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, ये मैंने पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने टेंट अपना गाड़ दिया है। इस कैंप को टेंट को कवर करने के लिए ये चीज़ें हैं जिससे आप कवर कर सकते थे जो बारिश वगैरह ज़्यादा हो तो। और बाकी जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्टोव है जिससे आप कोई भी चीज़ जैसे छोटी मोटी चीज़ जो भी आप बनाना चाहो इसके साथ में बना सकते हो। इसको यहाँ से अपन ओपन कर सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सो वीडियो दोस्तों काफ़ी अच्छी होने वाली है ये वाली, ठीक है। सो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, कैसे क्या ओपन होगा। फर्स्ट चीज़ जो रहती है कि आप कोई भी कैंपिंग करेंगे तो उसमें जो कैंपिंग की फर्स्ट चीज़ जो रहती है वो यही है दोस्तों, चूल्हा और साथ में एक सिलेंडर। तो वो ये तो वीडियो में दोस्तों जो जो चीज़ें मैं लेके आया हूँ वो मैं चीज़ें आपको ओपन करता जा रहा हूँ। आइए, ये मेरा कैंपिंग बैग है तो यहाँ पर, और ये है वो सिलेंडर जो इस गैस में लगेंगे जो है ना, अभी दो मिनट में आपको बताता हूँ मैं। और जो जो सामान है वो मैं चीज़ें लेके आया हूँ। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये है, ये कैंपिंग सिलेंडर है, इनको सिलेंडर को मैं निकाल लेता हूँ और आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि सिलेंडर आपको कैसे लगाना है। सिलेंडर को स्टेबलाइज रखने का तरीका ये है कि थोड़ा सा बिल्कुल आप सही जगह से आप इसे लो और बिल्कुल ये सही प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो साथ में ये दोस्तों ये पोर्टेबल चीज होती है सिलेंडर के लिए, आप एक चीज और रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
जो जो चीजें जरूरी होती हैं, ये विंडशील्ड है दोस्तों, कि हवा के पर्पज से आप इसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हो जिससे ये आपका कवर हो जाए, आप ऐसे देख पाएंगे जिससे आपका ये हवा वगैरह इसमें नहीं लगे, है ना। तो अभी तो विंडशील्ड की ऐसी जरूरत नहीं है, सो आगे देखते हैं इसमें। सो अभी विंडशील्ड की ऐसी जरूरत नहीं है, है ना। तो विंडशील्ड में अभी रख देता हूं, जैसे हवा वगैरह कुछ ज्यादा चल रही है, हवा का फ्लो ज्यादा है, तो आपको इस पे जरूरत है। वैसे कैंप में भी दो तीन चीजें ऐसी आती हैं जिसे आप कैंप को गाड़ सकते हो, है ना, अगर हवा वगैरह तेज चल रही है। अभी कुछ ऐसा हवा वगैरह तेज है नहीं, तो इस कारण से मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। जो चीजें हैं वो आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया है। सबसे मेन चीज और बेहतरीन चीज ये है दोस्तों, ये 3-in-1, ये 3-in-1 एक पोर्टेबल बर्तन है जो आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी कैंपिंग करें वहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, है ना। सो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये फर्स्ट, सो इसी के साथ मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता। ये पोर्टेबल बर्तन है दोस्तों, इसमें आपको इतने से उसमें तीन चीजें मिल जाती हैं, इतने से उसमें आपको ये तीन चीजें मिल जाती हैं। फर्स्ट चीज तो आपको ये केटल मिल जाती है इसके अंदर ही, जिसमें आप चाय वगैरह बना सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर। दूसरी चीज ये है दोस्तों, ये भगोना है, इसमें आप दो तीन लोगों के पर्पज से इसे, ये पोर्टेबल भगोना ही है, देख पा रहे होंगे आप, ये पोर्टेबल भगोना है, इसमें आप कुछ भी चीज इस पे ऐसे रखकर, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ये यहाँ पर आप इस पे ऐसे रख के कुछ भी दो तीन लोगों के लिए बना सकते हैं। तीसरी चीज ये है, जैसे अंडे वगैरह कोई चीज आपको फ्राई वगैरह करनी है, तो ये फ्राई वेल है छोटा सा पोर्टेबल, इस पे रख के। अभी मैं बनाने वाला हूँ चाय, सो सिलेंडर मैंने लगा ही दिया है, दूध मेरे पास ये है ही है ना। सो आगे वीडियो में देखते हैं किस तरह से कैसे काम करना है। सो पीछे से दोस्तों की डिपेंड आ गई है कि चाय की, तो सबसे पहले चाय बना के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बने। आपको चाय की दूध लेकर आया हूँ मैं, चाय की पत्ती वगैरह भी है मेरे पास, तो मैं आपको ये, अरे लाओ यार बैठने की जगह दो, तो ये मैं बैठ गया हूँ और साथ में इसको साफ करके आपको चाय बना के बता देता हूँ। तो ये मैंने इसमें केटली में डाल दिया है और यहाँ पर इस सिलेंडर को जलाने के लिए इसको मैं प्रोसेस कर देता हूँ। तो आपको दिखेगा नहीं उंजेली की वजह से, तो मैं अभी ये जल गई है, मैं इस पर केटल रख देता हूँ। भाई आग दिख रही है क्या, हाथ लगा के देखी है क्या, नहीं ठीक है तो फिर धूल नहीं लग रही दिख रही दिख नहीं रही, सही है पूरा आधी किलो डाल दिया तूने, आ गया ले गया रखा हुआ, वो 10 रुपए का दूध मांगता है यार, गरीब बन गया तेरा, बीड़ी चालू है, अभी दूध को उबाल के पी डालेंगे। और तो एक काम का पूरा डाल दे, पूरे में क्या करेगा, खराब हो जाएगा। नहीं नहीं मैं इसमें भी ये डालूंगा ना, तो क्या होगा डाल, तो फिर जी जी काम में उतारेगा, चल अब पहले कह रहा हूं मैं इसको गर्मी का डाल दूंगा, मतलब क्या गर्म भी हो जाएगा, भले तू इसमें से निकाल लियो मेरे। चलो ये लो, ये दूध गर्म कर लिया है यहाँ पर बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और सामान मैंने आपको बता दिया है कि जो जो चीजें हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर बाद इसमें मैं आपको मैगी बना के बताऊंगा। हाँ ये जलाने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। ये भैया
सो फ्रेंड्स, अभी मैंने दूध गर्म कर लिया, दूध हम थोड़ी देर से चाय बनाने वाले हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं क्या नाम है मैगी के मैगी तो मैं मैगी बनाने वाला हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। ये विंड शील्ड मैंने लगा दिया क्योंकि थोड़ी सी हवा चलने लगी है और दूध थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर फैल गया है ना। तो अभी यहाँ पर ये वाटर कैनन है, इसमें करीब 10 लीटर तक पानी आप ला सकते हो। आधा पानी अभी हमने यूज़ कर लिया है, बाकी का पानी अभी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको जला लेता हूँ, इसके में पानी गिरने की वजह से थोड़ा सा ये नहीं तो मुझे माचिस से इसका काम करना, माचिस से जलाना पड़ेगा इसको। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये जल गया है, देखो। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं इसको रख देता हूँ और इसमें हल्के हल्के पानी डाल देता हूँ। ये मैगी के लिए ये अभी हम बनाने वाले हैं इसमें मैगी। ये दूध साथ में रख दिया है मैंने और यहाँ पर अभी बनाते हैं मैगी। तो वरुण क्या है वो कैमरा भी चालू है तो थोड़ा सा ऊपर से ले सकता है या बैक से ले सकता है, तो वो चीज़ अलग है ना। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है मैगी बनाने वाले हैं, चाय के लिए अभी हमने रख दिया, थोड़ी देर से चाय का प्रोग्राम करने वाले हैं। अभी मैं मैगी बनाने वाला हूँ, बाकी का सामान मैंने आपको बता दिया। ये विंडशील्ड लगी हुई है, स्लेंडर है और अभी ये सारा सामान आपको लेके आना पड़ेगा। थोड़ा सा उबाल आ जाए तो इसके अंदर तब मैं इसमें मैगी डालता हूँ ना। सो जैसे ही वो होता है तो उसके बाद अपना ये एंड में जाके अपन जो करेंगे। अभी पानी जैसे ही बॉयल हो जाए, थोड़ा सिलेंडर है इसमें, आप हल्की बारिश भी हो रही हो तो आप क्या है चूल्हा वगैरह नहीं बना सकते लकड़ी का। इसमें आप चाहे बारिश हो रही हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वाटरप्रूफ टेंट है, फुली वाटरप्रूफ टेंट है, चाहे बर्फबारी में उसमें भी काम आएगा आपका टेंट, बहुत बढ़िया हुआ है। तो यहाँ पर अभी ये बनाते हैं और एंजॉय करते हैं अपना मैगी का और साथ में फिर उसके बाद बनाएंगे अपना चाय। और बाकी बगल से दोस्त होने के नाम में दाल बाटी का प्रोग्राम रखा हुआ है, उसका प्रोग्राम करते हैं। सो आइए। सो ये पानी गर्म हो चुका है और अभी मैगी डाल देते हैं, अच्छे से फोड़ के मैगी डाल देते हैं जिससे मैगी बना सकें। मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी ज्यादा हो चुका है तो मैं इस पानी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये पोर्टेबल स्पून है, इनको आप कर सकते हो जिससे आप ये चला सकते हो ना। मेहनत से आधा काम तो हो ही चुका है, मसाला और डाल देता हूँ तो अपना मैगी भी तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो बेहतरीन खुशबू आ रही है मैगी की, इसे चला देता हूँ मैं स्पून से। ये पोर्टेबल स्पून है दोस्तों, इसमें तीन टाइप के सेट आते हैं जिससे आप ये चला सकते हैं, तो ये पोर्टेबल स्पून बोलेंगे अपन से। सो फ्रेंड्स, मैगी हमारी ये बन चुकी है, मैं आप देख पा रहे होंगे पूरा भी कलर भी बेहतरीन आ रहा है। सो मैगी के साथ में अब थोड़ी देर बाद क्या नाम है एंजॉय करते हैं मैगी और अपना चाय बेहतरीन अपने इस ब्लॉग में। आइए देखते रहिए वीडियो को। ये हम शूट कर रहे हैं एक एडवेंचर, यो हमारे मैगी खा लो। कौन से हनुमान जी जी अपने? ये टंकी वाले हनुमान। हाँ टंकी वाले हनुमान। हेलो मैगी। ये मैगी बन रही है, ये रेडीमेड चूल्हा। वीडियो मुझे सेंड कर दीजिए। हाँ, जिससे कि हमारे आदर्श भाई की देन है ये। और ये हमारा पूरा टेंट है, जो टेंट मतलब लगभग दो जनों के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। हाँ, ये आदर्श वाइस हो गए। हाँ, पर्याप्त है।
पर्याप्त दो जनों के लिए। मेरा वो कैमरा चालू कर दी। पर्याप्त दो जनों के लिए ब्यूटीफुल टेंट, ब्यूटीफुल मैगी और ये पानी का कैंपर है हमारा रेडीमेड, जिसमें कि पानी मतलब भरना पड़ता है अपन को, 10 लीटर के आसपास आ जाता है इसमें। और ये कैटली है जिसके दूध और चाय रेडी करेंगे हम। सो फ्रेंड्स, मेरी मैगी तो बन चुकी है, कलर भी बेहतरीन आ रहा है। और ये विंडशील्ड को मैं थोड़ा सा साइड से कर देता हूँ, सिलेंडर बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। और हमारी मैगी, ये आप कलर देख पा रहे होंगे, लो मैं आपको दिखा देता हूँ पास आके। तो ये मैगी बन चुकी है, कलर देख पा रहे होंगे आप बेहतरीन। सो आइए इंजॉय करते हैं इस मैगी को, बेहतरीन तरीके से ये बन चुकी है, तो साथ में इंजॉय करते हैं, आ जाओ। ओए मैंने तो अपनी मैगी ले ली है, जिसको मैगी चाहिए ले लो, बाद में मत बोलना, मैं गाड़ी से थोड़ी पहचान लूंगा। तो ये मैगी बन चुकी है दोस्तों, और ये मैगी एंजॉय करते हुए बेहतरीन यूज होता हुआ दोस्तों मैगी का। क्या बात है,